नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र कुमार, क्लास 10th, मैथ एक्सरसाइज 3.6 का प्रथम भाग लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। इस एक्सरसाइज में क्या काम करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर उनको हल करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो समीकरण हमें दी हुई है, तो ये जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y और बराबर में दिया हुआ है 2। समीकरण एक। जो दूसरी समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y और बराबर में 13/6। ये समीकरण नंबर दो। तो सबसे पहले हम इसको समीकरण को हमें किस में चेंज करना है, रैखिक समीकरण में। तो उसके लिए हमें क्या काम करना होगा, जो इसमें माना 1/x बराबर क्या मान लिया a और 1/y बराबर क्या मान लिया b, ठीक है। तो हमारे पास इसमें जहां 1/x है उसका मान कितना a और 1/y का मान कितना है b। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 1/2x, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/x। तो इस 1/x की जगह में क्या लिखना होगा, a लिखना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो एक ही इसमें गुना करने पर कितना जाएगा, 1/2। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम, जहां 1/2x है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1/2। ये हो गया। इसी तरह से ये हो जाएगा कितना, b बटे में 3 और बराबर ये 2, ठीक है। अब इसमें एलसीएम कितना जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 जाएगा, 2 ते 6 तो 3a और ये जाएगा 2b बराबर 2, तो 3a प्लस 2b बराबर कितना, 6 × 2 = 12। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3rd, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह से जो समीकरण सेकंड है उसमें 1/3x है, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और b 1/2 और बराबर में 13/6। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना जाएगा, 6 जाएगा, 3 × 2 = 6 तो 2 आ जाएगा और 2 × 3 = 6 ये 3b बराबर 13/6। तो 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। तो जो समीकरण है 2a प्लस 3b बराबर कितना, 30। तो ये बन जाएगी इसमें समीकरण नंबर 4। तो 3 और 4, अब इसमें समीकरण 3 और 4 को हल करने पर जो हमारे पास समीकरण 3 ये रही और ये, इन दोनों को हल करना है, 3a प्लस 2b बराबर कितना, ये 12 और ये दिया हुआ है 2a प्लस 3b बराबर कितना, 13। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए विलोपन विधि से हल करना है, तो ये तो a या b को बराबर करना है, तो अब इसे b को बराबर करना है, तो b को बराबर करने के लिए इसमें गुना कर दो कितने से, 3 से, और इसमें गुना कर दो कितने से, 2 से, 3 की 2 में 6 और 3 × 2 =
6, तो 3 की इसमें गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा 9a, ये कितना हो जाएगा 6b और ये भारतीय 36। 2 की इसमें गुणा करने पर ये हो जाएगा 4a और ये 6b और ये हो जाएगा 13 × 26। अब माइनस करने पर 6b प्लस और माइनस कट जाएगा, प्लस के 9a और माइनस के 4a, तो कितना बचेगा ये 5a। इसमें से लेस करने पर ये जाएगा 10, तो a बराबर 10/5, 5 से काट दो 2, तो a का मान कितना जाएगा 2। ठीक है, अब इसी प्रकार a का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो हमारे पास समीकरण 3 है 3a + 2b = 12 दिया हुआ है, तो इसमें जहां पर a दिया हुआ है वहां पर कितना जाएगा 2 आ जाएगा प्लस 2b और बराबर में ये 12, तो इसकी इसमें गुणा करने पर 3 दुनी कितना जाएगा 6 हो जाएगा और ये 2b बराबर ये 12। ठीक है बच्चों, अब इसमें 2b बराबर तो जाएगा 12 और माइनस के 6, तो 12 में से 6 को लेस करने पर कितना जाएगा 6, तो b बराबर हो जाएगा 6/2, तो b का मान कितना जाएगा 3। ठीक है, 2 से काटने में कितना जाएगा 3, तो इस तरह से हम b का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास a और b दोनों का मान आ गया, ठीक है, तो a बराबर कितना आया था 2 और b बराबर कितना 3, तो इसमें क्या काम करना है, तो हमें किसका मान निकालना है x का, तो हमारे पास 1/x बराबर कितना है a है और a का मान कितना आया टू, तो इसके बटे 1 गुना कर दो तो ये जाएगा 2x बराबर ये 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2, तो x का मान हो जाएगा 1/2। इसी तरह से b का मान कितना 3, तो 1/y बराबर कितना है 3, तो इसके बटे 1 तो गुना कर दो ये 3y बराबर ये 1 हो जाएगा और y बराबर 1/3, तो ये हो जाएगा y का मान, तो हमारे पास x बराबर कितना गया 1/2 और y बराबर कितना गया 1/2 और y बराबर आ गया 1/3, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे करना है इसी प्रकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, टू बटे रूट एक्स प्लस 3/√y बराबर में 2, समीकरण 1, 4/√x 9/√y और बराबर में -1, तो इस क्वेश्चन को भी हमें उसी प्रकार करना है। ठीक है ना, तो इसमें क्या काम करना है, माना 1/√x बराबर क्या मान लिया a और 1/√y बराबर क्या मान लिया b, तो समीकरण एक हो जाएगी 2a और ये हो जाएगा 3b = 2, समीकरण नंबर 3। और इसी तरह से ये जाएगा 4a माइनस
नाइन बी और बराबर में माइनस वन, ठीक ये हो गया। अब इसमें समीकरण तीन और चार को हल करना है किस विधि से, विलोपन विधि से, या तो ए को बराबर कर लो या बी को, ये तीन बी और ये नौ बी, तो समीकरण एक में तीन और नौ इन दोनों को बराबर करने के लिए समीकरण एक में कितने से गुना करनी होगी, तीन से, तो तीन से गुना करने पर कितना हो जाएगा, ये तीन दोनी छ, तीन तीन नौ बी और तीन दोनी ये छ, तो ये फोर ए माइनस नाइन बी और माइनस एक। अब इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर देना है, तो प्लस के नौ और माइनस के नौ ये कट जाएगा, तो हमारे पास प्लस के छ और प्लस के चार, तो कितना जाएगा दस, ठीक। इसी प्रकार प्लस के छह और माइनस के पांच, तो कितना जाएगा ये पांच। अब ए बराबर ये कितना हो जाएगा पांच और बटे में दस, इसे काट दो तो ए का मान कितना आ गया एक बटे दो। अब ए का मान समीकरण एक में, एक नहीं तीन में रखने पर जो समीकरण तीन दी हुई है, तो इसमें जहां पर ए है वहां कितना जाएगा एक बटे दो प्लस तीन बी और ये दो, दो से दो कट जाएगा, एक को जलाने पर टू माइनस वन तो वन हो जाएगा, तो बी बराबर एक बटे तीन, तो ये बी का मान आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन में एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए तो हमारे पास जो दिया होता है एक बटे रूट एक्स बराबर ए, तो ए का मान कितना है, ए का मान आया था इसमें कितना एक बटे दो, ठीक है, तो ए का मान कितना एक बटे दो दिया हुआ है, तो इसकी इसमें गुना करने पर रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा ये टू, तो एक्स बराबर ये जाएगा टू का होल स्क्वायर, तो एक्स बराबर कितना जाएगा फोर, तो एक्स का मान आ जाएगा फोर, ठीक है। इसी प्रकार अब इसमें वाई का मान ज्ञात करना है, तो वाई एक बटे रूट वाई बराबर कितना बी, और बी का मान कितना गया एक बटे तीन, तो गुना कर दो ये, तो रूट वाई बराबर ये थ्री, तो वाई बराबर, तो y का मान कितना जाएगा नो, तो इस प्रकार हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं, तो x का मान कितना फोर और y का मान कितना नो, तो हमारे पास x बराबर फोर और y बराबर नो, तो ये समीकरण के आंसर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर करके देखना है, ठीक है ना। थैंक यू।